हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम समोसा बनाएंगे। इस समोसे को हम बिना आलू प्याज या लहसुन के बना रहे हैं और इसके साथ ही इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसे गेहूं के आटे के साथ बनाया है। ये बहुत ही खस्ता बने हैं और साथ ही ये खाने में उतने ही अच्छे हैं जितने कि आलू के समोसे होते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए कच्चे केले लिए हैं। केले को मैंने कुकर में 2 सीटी आते तक के पका कर तैयार कर लिया है। 2 बड़े चम्मच उबले हुए ताजे हरे मटर के दाने लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची ले लेंगे जिसे हम बारीक काट लेंगे। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 छोटा टमाटर ले लेंगे बारीक कटा हुआ। टमाटर के बीजों को अलग निकाल लें। 5 से 7 करी पत्ते लेंगे। मसालों में 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच जीरा। 1 पिंच हींग लेंगे। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई सौंफ। 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार सादा नमक लेंगे। और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच गरम मसाला लेना है। डो तैयार करने के लिए 200 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। मोयन के लिए 3 बड़े चम्मच गरम तेल और ज़रूरत अनुसार पानी ले लेंगे। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 200 ग्राम गेहूं के आटे में अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को पहले हाथों से क्रश कर लें। इसके साथ ही स्वाद अनुसार या 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लें और इसमें 3 बड़े चम्मच गरम तेल ऐड कर लें। तेल को पहले अच्छा गरम कर लें और फिर इसमें ऐड कर लें। इससे समोसे ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। अब इसे आटे के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। तेल को मैंने आटे में अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिया है। इसे एक बार इस तरीके से मुट्ठी में बांध कर चेक कर लें। मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने इस बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है तेल ऐड करने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसका हल्का सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेने के बाद समोसा के लिए हल्का सख्त आटा गूंथ कर तैयार है। अब इसे हम करीब 1/2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। डो को कुछ देर मसल लेने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक के लिए हम इसके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1/2 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छा गरम हो जाए इसमें सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसके साथ ही 5 से 7 करी पत्ते और 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। और अब इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें उबले हुए और मैश किए हुए कच्चे केले ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर नमक की क्वांटिटी को थोड़ी रखें क्योंकि इसमें हम बाद में काला नमक भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद अब इसमें उबले हुए हरे मटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मैश करते हुए मिलाकर तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर मिला लेने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई सौंफ। इतने मसाले ऐड कर लेने के बाद अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे इसी तरह मिलाते हुए करीब 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम को इस वक्त मीडियम में रखेंगे।
मसालों को बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेने के बाद अब बचे हुए मसाले ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर ना हो तो नींबू का रस ऐड कर लें, और आखिर में इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब समोसा के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। अब फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ डो को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। डो भी अब अच्छे से तैयार है और इसके साथ ही स्टफिंग भी बनकर तैयार है। अब हम समोसा तैयार करेंगे। समोसा बनाने के लिए एक बड़े आकार की लोई ले लें। अब इसे हम ओवल शेप में बेल कर तैयार कर लेंगे। इसे ना तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा बेलना है और ना ही इसे पूरा गोल आकार में बेलना है, और इसके साथ ही इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही पतला। जिस तरीके से हम पूरियों को बेलते हैं ठीक उसी तरीके से इसे भी बेल कर तैयार करना है। रोटी को ओवल शेप में बेल लेने के बाद अब इसे बीच में से काटेंगे और इसे 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें से एक पोर्शन लेंगे और इसके किनारों पे हल्का सा पानी लगा लेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर ही पानी लगाएं और ऊपर वाले किनारों पर अभी पानी नहीं लगाना है। पानी लगा लेने के बाद अब इसके दोनों साइड्स को इस तरीके से उठाएंगे और इसे एक दूसरे से जोड़ते हुए कोन के आकार में बनाकर तैयार कर लेंगे। कोन के आकार में बना लेने के बाद अब इसमें करीब 2 छोटे चम्मच स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को भर लेने के बाद अब इसके ऊपर के जो किनारे हैं उस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब इसका जो सामने वाला हिस्सा है इस पर छोटी सी एक प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट को हम दूसरे हिस्से से चिपका लेंगे। अब इसके किनारों को अच्छे से चिपका लें। अब हमारा एक समोसा बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी के समोसे भी तैयार करेंगे। किनारों पे हल्का सा पानी लगा लेने के बाद इसके दोनों साइड्स को उठाएंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चिपका कर इसे कोन के आकार में बनाकर तैयार कर लेंगे। कोन तैयार कर लेने के बाद अब इसमें 2 छोटे चम्मच स्टफिंग भरेंगे। अब इसके जो बचे हुए किनारे हैं उस पर भी पानी लगा लेते हैं। अब इसके एक साइड में हम एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट को सामने वाले हिस्से से जोड़ लेंगे। अब इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बंद करके तैयार कर लेंगे। अब इसी तरीके से सभी समोसों को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में गर्म करना है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए इसमें एक एक करके समोसे डालेंगे। एक बारी में जितने समोसे आ जाए उतने इसमें डाल लें। समोसों को तेल में डालते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखें और फ्राई करते समय फ्लेम को स्लो कर लें। समोसों को तेल में डाल लेने के बाद इसे करीब आधा एक मिनट के लिए इसी तरह रहने दें। जब समोसे फ्राई होकर तेल के ऊपर आने लगे इसे हल्के हाथों से पलट लें। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरह चम्मच से हिलाते रहेंगे और इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। समोसों को फ्राई होने में करीब 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। करीब 8 से 10 मिनट धीमी आंच में फ्राई कर लेने के बाद समोसे अब अंदर तक के अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनमें अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। समोसों को फ्राई करते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे फ्राई करना है। इसे फ्राई करते समय जल्दबाजी ना करें। सभी समोसों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमारा बिना प्याज लहसुन के खस्ता समोसा बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। इन समोसों को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।
इसे ज़रूर बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।